हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे आपके एनसीईआरटी के 11th के एनसीईआरटी का यूनिट 3rd, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे जीएन रामचंद्रन के बारे में, जिनके बारे में एनसीईआरटी बात करती है, और अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें तो क्या पूछा जा सकता है कि जीएन रामचंद्रन साहब का प्रोटीन के स्ट्रक्चर के फील्ड में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर भी थे। इनकी डिस्कवरी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पे इनकी स्टडी थी, जो कि नेचर 1954 में पब्लिश्ड हुई थी। इनका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जा सकती है इंडिया पीएमटी में। इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम पूरे सेल बायोलॉजी को एक साथ पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से कम 5 से 7 क्वेश्चन, इस यूनिट से कम 5 to 7 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं नीट में। ये बात हमें ध्यान रख के पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, इसलिए मैक्सिमम कंटेंट हमारा एनसीईआरटी से होगा। हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, जहाँ संभावनाएं होंगी एनसीईआरटी से बाहर की पूछे जाने की। सबसे पहले जानते हैं सेल बायो है क्या। तो सेल बायो में हम स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर का और सेल के फंक्शन का। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि क्या है सेल। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपको पहले से ही पता है कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल को मिला के ही बनता है। खूब सारे छोटे छोटे सेल से मिला के ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो सिर्फ एक सेल्स का भी रह सकता है, अगर मल्टीसेलुलर है तो वो खूब सारे छोटे छोटे सेल को मिला के ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो काम होगा वो इस सारे सेल के द्वारा किए गए काम का सम होगा। इसीलिए सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट है, काम भी करता है, और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसीलिए एक सेल एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एक सेल से कम कुछ भी इंडिपेंडेंट लाइफ को इंश्योर नहीं करता है, यानी कि एक सेल से कम कुछ भी लिविंग नहीं रह सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानना है, जो हमें याद रखना है, जो एनसीईआरटी देती है, कि पहला सेल डिस्कवर्ड कौन किया था। तो पहले सेल की डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक साहब। किस में भाई? कॉर्क में। कॉर्क आप जानते हैं, प्लांट का आउटर मेस्टमेटिक पार्ट से बना होता है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है कॉर्क, और ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कॉर्क एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो पहले सेल की डिस्कवरी, पहला सेल जो रॉबर्ट हुक साहब देखे थे वो क्या था? कॉर्क था, जो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किए थे एंटोन वॉन लीवेनहुक साहब, और ये एक एनिमल सेल था। तो पहले सेल को डिस्क्राइब किए थे एंटोन वॉन लीवेनहुक साहब, या आपके एनसीईआरटी का डेटा है। रॉबर्ट ब्राउन, याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन साहब न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन साहब किए थे। रॉबर्ट हुक से कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक कॉर्क एंड रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। सेल बायो में ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद से हुई पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि सेल के सारे स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, इनका डायमेंशन माइक्रोमीटर में होता है। सेल के किसी भी स्ट्रक्चर का डायमेंशन माइक्रोमीटर में होता है, और इसी के वजह से जो सेल है स्टडी
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हुई है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया पीएमटी में इसके पहले पूछा जा चुका है और इसीलिए उम्मीद है कि फिर से पूछा जाएगा। सेल थ्योरी में हमें दो नाम याद रखने हैं, ये दोनों नाम पूछे जा चुके हैं। पहले पहला नाम जो है वो सेल्डन साहब का है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बात हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि सेल्डन साहब एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये आपको सन याद नहीं भी करना है, ईयर याद नहीं भी करना है कि 1938 में सेल्डन साहब अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लोगों को बताए थे। ये खूब सारे प्लांट सेल को ऑब्जर्व किए थे, खूब सारे प्लांट को ऑब्जर्व किए थे, एग्जामिन किए थे और ऑब्जर्व किए थे खूब सारे प्लांट्स को, और फाइनली इस नतीजे पे पहुँचे थे, इस कंक्लूजन पे पहुँचे। प्लांट सेल जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है और खूब सारे सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। ठीक उसी समय 1939 में स्वान साहब, जो कि ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट, याद रखना है हमें कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, सेल्डन साहब जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान साहब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्वान साहब स्टडी किए एनिमल सेल पे भी और प्लांट सेल पे भी। ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्लांट सेल पे भी ये स्टडी किए थे। जब बात होती है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, फिर हम यहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये प्लांट सेल का इनका क्या रिश्ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि प्लांट सेल पे भी स्वान साहब की स्टडी थी। स्वान साहब एनिमल सेल पे स्टडी करते हैं और बताते हैं कि जो हर एक एनिमल सेल होता है वो एक थिन आउटर लेयर से घिरा होता है, थिन आउटर लेयर से घिरा होता है जिसे बाद में जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऐसे ही स्वान साहब की स्टडी प्लांट सेल पे होती है और वो बताते हैं कि जो प्लांट है इसमें सेल वॉल का प्रेजेंस यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। अगर सेल वॉल है तो वो सेल क्या होगा, प्लांट सेल ही होगा। अगर आपको लगे जरूरत महसूस हो तो आप साथ साथ लिख के रैपिड रिवीजन के लिए नोट्स भी बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूँ, दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट सेल्डन साहब, ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान साहब ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। सेल्डन साहब खूब सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि प्लांट जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिला के टिशू बनाते हैं और टिशू से। वहीं स्वान साहब जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये इनकी स्टडी होती है एनिमल सेल पे भी और साथ में प्लांट सेल पे भी। एक बार फिर से मैं आप सबको बोलूँगा इस पर ध्यान दें कि प्लांट सेल पे भी। एग्जाम टाइम में हम सोचते हैं कि स्वान साहब जब जूलॉजिस्ट थे तो प्लांट पे सेल पे क्यों काम किए थे, लेकिन वो काम किए थे। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा लेकिन एग्जाम टाइम में ये दिक्कत करता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लांट सेल पे भी वो काम किए थे और बताए थे कि सेल वॉल का जो प्रेजेंस है, सेल वॉल का प्रेजेंस यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल के लिए। एनिमल सेल पे काम करके बताए थे कि सेल के चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे बाद में हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन स्वान साहब अपने ऑब्जर्वेशन पे बताते हैं प्लांट और एनिमल सेल के ऑब्जर्वेशन पे बताते हैं, एक हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं कि बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट की भी बॉडी और एनिमल की भी बॉडी, ये सेल से कंपोज्ड होती है और इसके प्रोडक्ट सेल और सेल के प्रोडक्ट से कंपोज होती है। प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। ये कौन बोलता है, स्वान साहब। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सेल्डन स्वान दोनों ने, सिर्फ स्वान साहब। ठीक है, आगे देखिए, आगे का बात इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि सेल थ्योरी कौन बताया, तो सेल्डन और स्वान दोनों एक साथ मिलकर फॉर्मुलेट करते हैं सेल थ्योरी। आगे बताऊंगा मैं सेल थ्योरी क्या है, लेकिन इनकी सेल थ्योरी ये नहीं बता पाती है। ये बताते हैं कि सेल क्या होता है, सेल काम कैसे करता है, ये सेल थ्योरी बताती है, सेल्डन स्वान की सेल थ्योरी। लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि नया सेल कहाँ से आता है, नया सेल कहाँ से आता है। और इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं, रूडोल्फ विर्चो। इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं
रुडोल्फ विर्चो जो एक्सप्लेन करते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स कि जो सेल है, नया सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। जैसे आपके सामने ये सेल है, ये है पेरेंट सेल, इसमें होगा डिवीजन और डिवीजन के बाद बन जाएंगे दो डॉटर सेल। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ये बताते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि नए सेल जो हैं, ये जो न्यू सेल हैं, ये कहाँ से आए हैं, अपने ओल्ड सेल से आए हैं। तो फाइनली फाइनल शेप क्या है सेल थ्योरी का, ये देखते हैं। फाइनल शेप क्या है सेल थ्योरी का, इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता है। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये बात आपको पहले से ध्यान है और इसमें ऐड कर देते हैं रुडोल्फ विर्चो साहब, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। अब आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि सेल होता क्या है और क्लासिफिकेशन क्या क्या है हमारे वहाँ सेल का। तो सेल मेनली सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो प्रिमिटिव सेल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो एडवांस सेल जो है, नए सेल हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बिखरा बिखरा होता है, प्रिमिटिव सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये बिखरा बिखरा होता है, ये पैक नहीं रहता है। अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा ये बिखरा बिखरा रहेगा, पैक नहीं रहेगा। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। ओके, इसका एग्जांपल प्रिमिटिव सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल जो है वो किंगडम मोनेरा में आता है। किंगडम मोनेरा के जंबर हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है ये मेनली दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक सेल में जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब वो न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। यूकैरियोटिक सेल मेनली दो होते हैं, दो तरह के होते हैं यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। या तो एक ही सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा या फिर खूब सारे सेल मिलके, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल मिलके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। मल्टीसेलुलर का मतलब हो गया क्या कि खूब सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ये खूब सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में आते हैं, यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में आते हैं किंगडम फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो हमें यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मेनली हमें इस चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, फंगल सेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल कुछ फैक्ट्स बताती है कि कौन सेल बड़ा है, लार्जेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, ये सब एक बार देख लेते हैं। ये देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेल होता है ये शेप और साइज में वेरी करता है, साइज में, शेप में, एक्टिविटी में, हर एक सेल क्या करता है, डिफर करता है, वेरी करता है। क्यों? साइज शेप डिपेंड करता है सेल के एक्टिविटी पे, सेल की एक्टिविटी कैसी रहेगी इसी पे डिपेंड करता है उसका शेप और साइज। कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी के, स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मोनेरा, किंगडम मोनेरा का पार्ट है। और आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसका लेंथ हो सकता है 0.3 माइक्रॉन, जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं, जनरल बैक्टीरिया, इससे 10 गुना बड़े होते हैं। जनरल जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो 3-5 माइक्रॉन का होता है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल बैक्टीरिया से
10 गुना छोटा है, 0.3 माइक्रोन। ये सवाल एक बार आया था और उम्मीद है कि फिर से कभी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, आंसर लगा के आएंगे आप। लार्जेस्ट सेल जो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, नहीं पूछा जाएगा। आरबीसी के डायमीटर की बात करता है। आरबीसी की बात इसलिए करता है कि आरबीसी पे काफ़ी रिसर्च है। हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ेंगे वो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पढ़ेंगे, इसलिए भी। और इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का, इसलिए इसका डेटा दे रखा है कि इसका जो डायमीटर होता है 0.7 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो पाया जाता है अपने बॉडी में वो होता है नर्व सेल। एक बार फिर से मैं वही बात रिपीट कर दूं कि शेप जो होगा सेल का जो शेप होगा वो वेरी करता है और डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ सेल पे। थैंक यू सो मच।